हेलो दोस्तों, क्या आपका स्मार्टफोन खो गया है या चोरी हो गया है या फिर आपका फोन चोरी भी हो जाए तो आप किस तरह अपना डेटा को चुराने से बचा सकते हैं और यह आसान तरीका किस तरह आपकी नाकों की कीमत के डेटा को सुरक्षित कर पाएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाला। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक फिर जरूर देखें जिससे आप भी अपना डेटा चोरी होने से बचा पाएंगे। दरअसल भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने हाल ही में सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जो मोबाइल यूजर्स को खोए हुए या चोरी हुए स्मार्टफोन की रिपोर्ट करने में हेल्प करती है। भारत में CEIR सर्विस को वर्तमान में मध्य प्रदेश सहित देश के सभी 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। नेशनल लेवल के साइबर एक्सपर्ट प्रोफेसर गौरव रावल के अनुसार CEIR वेबसाइट यूजर्स को चोरी या खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने और पाए गए मोबाइल को अनब्लॉक करने और यहां तक कि पुराने स्मार्टफोन के बारे में विवरण प्रदान करने की अनुमति देती है। तो दोस्तों, CEIR वेबसाइट का उपयोग करने के लिए यूजर्स को अपने फोन की INVI नंबर को डालना होता है जिसे आप अपने फोन के डायलर को ओपन करके *#06# डायल कर पता कर सकते हैं। फिर यह वेबसाइट आपसे आपका फोन नंबर मांगेगी ताकि आपको वेरीफाई किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये CEIR वेबसाइट आपके खोए हुए फोन को रिपोर्ट करने में मदद कैसे कर सकता है। CEIR वेबसाइट पर खोए हुए या चोरी हुए स्मार्टफोन की रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फोन पर मौजूद सिम कार्ड का मोबाइल नंबर जो फोन खो गया है और INVI नंबर और मोबाइल खरीदते समय जो आपने पिन बनवाया था उसका डिटेल्स आपको वेबसाइट पर डालना होगा। इसके अतिरिक्त आपको अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में की गई शिकायत की FIR या एप्लीकेशन की डिजिटल फोटोकॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी ताकि ये वेरीफाई हो सके कि आप उस स्मार्टफोन के ओरिजिनल मालिक थे और उसे ब्लॉक करने का परमिशन प्राप्त हो सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर्विस एक्चुअल में कार्य कैसे करता है, तो चलिए समझते हैं। CEIR वेबसाइट पर एक बार स्मार्टफोन ब्लॉक हो जाने के बाद इसे सेंट्रल डेटाबेस में जोड़ दिया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई खोए हुए या चोरी हुए फोन का उपयोग करने का कोई प्रयास करता है तो उसकी पहचान की जाएगी और उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा जिससे वह मोबाइल डिवाइस बेकार हो जाएगा। साइबर एक्सपर्ट गौरव रावल के अनुसार यदि किसी यूजर ने अपना खोया हुआ फोन वापस पा लेता है तो वे रिक्वेस्ट आईडी, मोबाइल नंबर और अनब्लॉक करने के और डिटेल्स डालकर CEIR वेबसाइट के माध्यम से इसे पुनः अनब्लॉक कर सकते हैं। फोन को अनब्लॉक किए बिना डिवाइस डिसेबल हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। CEIR वेबसाइट भारत में स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन सर्विस है। यूजर्स अपने खोए हुए फोन या चोरी हुए फोन की रिपोर्ट करने का आसान तरीका प्रदान करता है और उन्हें किसी और के द्वारा उपयोग किए जाने से रोकता है। यह सर्विस फोन के चोरी होने को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि स्मार्टफोन यूजर इस डिजिटल युग में भी पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सके। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें और जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सके। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही नए वीडियो के साथ।